अभी फोन पर सूचना मिली, मेरा भतीजा है गंदर भैया का लड़का पप्पू, इसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो आज नैन्सी दीदी की मम्मी पापा भी आ रहे हैं, पता चला है कि वो लोग कानपुर से निकले हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी फाइनली आज मम्मी निकल चुकी है जी। मम्मी से कहने का मतलब हुआ नैन्सी दीदी की मम्मी। जो भी पुराने लोग हैं जो शुरुआत से ब्लॉग को देखते आ रहे होंगे उन्हें पता होगा मम्मी किसे बोलते हैं, दीदी किसे बोलते हैं। वहाँ से निकल गई है जी और यहाँ हमारा खाना भी लग गया है, इंतजार है मम्मी के आने का। यहाँ हमारा खाना लग चुका है जी, हमारा मन पसंदीदा पनीर। हुआ क्या था कि दूध फट गया था, और दूध फट गया तो घर में खुशखबरी आ गई। पहले हम लोग को ध्यान है कि बचपन में जैसे ही दूध फटता था खुश हो जाते थे कि फटो नहीं खाएंगे, लेकिन अब तो फटो नहीं खाते हैं, अब फिर पनीर बन जाता है। अब पनीर बन जाता है, उसको छान के बना दिए, थोड़ा सा बेसन डाल दिए, बड़ी तरह बन गया। तो फाइनली जी आ गई है लाइट, देख सकते हैं इतनी खुशी। सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक जो है लाइट गायब थी, और उस बीच में जो हमारा कस्टमर निकले तभी तक मन अंदर से लग रहा है कि कोई बात नहीं, अब तुम बस पंखा के आगे बैठे हो। ऐसे शाम का समय हो चुका है, अंधेरा भी हो चुका है, अंधेरा थोड़ा होगा तो क्या। ऊपर जो हवा है एसी से कम नहीं है। चलते हैं जी सीधा मार्केट, मार्केट से कुछ सामान लाना है। तीन और दे दीजिए। कई बार आपका दुकान भी आया है ब्लॉग में। अभी आए हुए हैं जी छत पर टहलने के लिए, जिया बैठी हुई है, कुछ राउंड मारी उसके बाद जो है बैठ गई है। पीछे आपको आवाज आ रही हो कि आज जो है लगन है, और अच्छा खासा लगन है, और बगल में पूजा हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर देख सकते हैं जो घर सब सजा हुआ है, वहाँ के बारे में एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है। जिसके यहाँ हो रहा है ना पूजा, उसके यहाँ बात क्या है, उसके यहाँ लड़की की तरफ से भी कार्ड आया है और लड़के की तरफ से भी कार्ड आया है। लड़का जो है मेरा क्लासमेट है, तो दोनों साइड से भोज खा लेंगे, एक बार यहाँ खा लेंगे एक बार वहाँ जा खा लेंगे। आ गए जी सुबह सुबह टहलने के लिए, और आज जो है जिया 5 बजे से पहले ही उठा, 4:30 बजे ही बोलती है उठ जाइए टाइम हो गया है। हम कह रहे मतलब इतना जल्दी कैसे हो गया समय, एक नींद में याद नहीं, हम बोले कि 5 बजने वाला है उठ जाइए। अच्छा तो एक बार होता जब 5 बजे का अलार्म लगा ही है तो तुमको क्या दिक्कत था जी? आपको ब्रश करते पानी पीते 5:30 बज जाता है, 5:30 बजे धूप निकल आती है, सुबह उठ गए। बहुत बढ़िया, कल ऐसा करना, कल 4 बजे उठा देना फिर। अच्छा ऑन कर रहे हैं ताकि पानी निकले। अच्छा यहाँ पानी निकल रहा है। अच्छे से ये नहीं धुलाया, अच्छे से अब हमको मत धो दीजिएगा, पूरा पानी पड़ रहा है, देखिएगा थोड़ा झुक के, देखिए ऐसे ही सब धोए। उधर जो है कौवा वहाँ से जो है काँव काँव कर रहे हैं, और जब भी कौवा काँव काँव करता है तब बोला जाता है कि घर में गेस्ट आने वाले हैं। तो आज गेस्ट नहीं है, हमारी मम्मी आ रही है। वो देखिए कितना बेहतरीन नजारा है, दो खुट्टा है, दो खुट्टा पर दोनों अलग अलग चिड़िया है। जी ऊपर से नीचे वॉक करके मम्मी भी उठ चुकी, देख रहे हैं दाल भर रही है। कौन सा दाल रही है, चना का? तो नया पड़कर उठा ला रहे, बहुत पहले अरहर का और चना का, नहीं इसमें अरहर है, अरहर मसूर तीनों मिला के मिक्स दाल, बिल्कुल। तो क्या बात है जी, जिया के लिए नारियल ला करके रखा हुआ है 4-5 नारियल, लेकिन अब जो है बहुत लोग मना कर रहे हैं कि अब जो है नारियल पानी बंद कर दो, तो आखिरी समय में हमने बंद कर दिया, उसको खत्म तो करना है ही, तो कर रहे हैं खत्म, सभी मिल करके कर लेंगे। मुनीम जी बैठ चुके हैं, हमको लग रहा था बोलने ही वाली है मुनीम जी, आज बोल ही दी अपना हिसाब लिखने के लिए।
बिल्कुल हिसाब बारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब घर में मालूम हो कि बहुत ही कोई सातीर हो पास में। आप सातीर है क्या? आप सातीर है, उल्टा चोर। जितने आप सीधे दिखते उतने हैं नहीं, समझे? अच्छा, तो कैसे हैं हम? अब बहुत शैतान है। उनसे जी अपना सारा हिसाब लिख रहे हैं, कहाँ पे क्या खर्च हुई है, नहीं हुई है। बिल्कुल, और कहाँ कहाँ पर घपला हुआ है वो सब पता करना है। घपला तो आप करते हैं, हम करने लगेंगे तो होंगे। आए हाय हाय हाय, यहाँ पर बनने जा रहा है जी आज परवल का भुजिया, तो अच्छे से काटना, इसमें बीज एक भी नहीं रहना चाहिए। इसका बीज अगर मुंह में चले जाता है पूरा मजा खराब होता। सुबह उठने का क्या फायदा जी, यार फिर सो ही जाना। कमजोरी लगता था, कमजोरी लगता था, अब वो भी नहीं पी सकते हैं, ठंडा होता है वो। तो ऐसा चल रहा है जी जिया का हालत। कुछ ले लो पेट में, ठीक हो जाएगा। आज नैन्सी दीदी की मम्मी पापा भी आ रहे हैं, पता चला है कि वो लोग कानपुर से निकले हैं। और जिया ये देखो तुम्हारा सब्सक्राइबर मिला है, और वो बहुत ही वीडियो आपका लाइक भी करते हैं, एक साल से देख रहे हैं, उसके लिए तुम थैंक यू बोलना। बहुत अच्छी मतलब दोनों की जोड़ी है, आप टेक केयर है, आप लोग भी जो सासू माँ है आप उनका भी टेक केयर कर लिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। घर में भी आप लोग का, मेरे घर में भी चर्चा होता है कि उनकी फैमिली है बहुत अच्छा है, मतलब किसी को सीख भी मिलता है उससे कि फैमिली में बहू हो बेटी हो सब एक समान होना चाहिए। और ट्रेन का जो हाल है, लग रहा है थोड़ी सी लेट चल रही है ट्रेन, ये तो राइट टाइम है यहाँ पर 7:30 बजे तक पहुँचाने का कटिहार, लेकिन लगता है कि वो लोग 11-12 बजे से पहले नहीं पहुँचने वाले हैं कटिहार। बात हुई थी फोन पर, हाँ हाँ, जो अभी कानपुर से निकले हैं, हमको 7:30 बजे समय दिखा रहा है ट्रेन में। पहुंच गए जी फल के मार्केट, देखते हैं कहां पर ढंग का फल मिलता है और लेते हैं। लीजिएगा। कैसे है संतरा भैया? 1 किलो 130 लगा दीजिए। कैसे अंगूर भैया? आधा किलो लगा दीजिए भाई। कैसे से भाई? 150 पूरा मीठा हो गया, बड़ा रेट है। कैसे बनाते हैं भैया, बनाइएगा। हो गई जी सारी खरीदारी, आप सीधा यहाँ से, पहले की धूप हो जाए तो धूप पे दिक्कत हो जाएगी, अभी मौसम ठीक है तो निकलते हैं जल्दी से घर। अभी हमने पिया जी कच्चे आम का लस्सी, क्या जबरदस्त था भाई साहब, मस्त मजा आ गया पीने में। फाइनली जी पहुंच गए घर, अच्छा था कि धूप निकलने से पहले ही पहुंच गए, बाहर जो धूप हो गई है बहुत तेज। और यहाँ पर रोटी बनने की चल रही है तैयारी, और इधर हम केला लाए, ये केला कैसा लगा दीदी? बेचे वाला का धन्यवाद, भगवान का रोजी रोटी दे, और उसके बाद खरीदने वाला को बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया चीज लाया, खाने वाले को भगवान चिरंजीवी रखे, पैसा दे सब दिन खाते। इस झोला से सारा फल को अब निकाला जाए, क्या है सरप्राइज पैकेज है? कोई सरप्राइज नहीं है, हमारा यहाँ रोज आ रहे थे। गजब बेइज्जती है। नहीं कुछ एक्स्ट्रा लगता है, लेके आए हैं जो लग रहा है कि डांट पड़ेगा। नारियल केला सेब खीरा हमरा लागे, जकरा भगवान दूटा पैसा देने से सब केओ खाइए, नया चीज नहीं छे हमरा समझ में, ओना धियापुता जे अच्छा देखे माँ आम लेके आए, सोरी बात कहेगी कि महंगा काहे लेंगे। जिया को इस पपीता में हो गई है शिकायत, कारी यहाँ दगा हुआ है, पूरा दगा हुआ है, जब भी लाते हैं ऐसा ही लाते हैं, सिर्फ इधर नहीं है, यहाँ देखिए देखिए पूरा दगा हुआ है। कोई बात नहीं, खाना हमको है, तुमको नहीं खाना है ना, पैसा नहीं लगता है, फ्री में सोच ऊपर से चुन के लाए हम, देख के लाए। अभी फोन पर सूचना मिली, मेरा भतीजा है जंदर भैया का लड़का पप्पू, इसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है।
पप्पू भैया का। हाँ, लेकिन मैं तो मोटरसाइकिल और कार में, सहरसा और पुरी के बीच में ऐसी परिस्थिति है जो मैं वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ जिया का स्थिति खराब है। और मैं तो सब दिन सबके लिए पूजा करती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली अपने भतीजा के लिए भगवान से दुआ मांगती हूँ, वह दुनिया में लौट के आके फिर कमाए। इससे बेसी मैं क्या कर सकती हूँ। उम्मीद है कि भगवान जरूर सुनेंगे। वीरेंद्र भैया बहुत सज्जन आदमी, उनके साथ भगवान ऐसा। वैसे मेरा सब भाई अच्छा है, कोई खराब नहीं किसी से।